देखिए, मैं आज फिर ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा, खसूसन हमारे डिप्टी कमिश्नर सागर साहब को, कि इनको इस हमपोरा की ओर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये हमपोरा बहुत ही, मैंने देखा, पसमानदा गांव हैं, जहाँ पे आज के दौर में इनको साफ़ पानी मयस्सर नहीं हो रहा है। करीबन ये पिछले 20 साल से साफ़ पानी के लिए तरस रहे हैं। इनको आज तक इस बेसिक फैसिलिटी से महरूम रखा गया है। और जब हम यहाँ पे रोड्स की कंडीशन देखते हैं, बिल्कुल खस्ता नज़र आ रही हैं। इनको यहाँ पे डिस्पेंसरी जो है, ये प्रॉपरली फंक्शनल होनी चाहिए, क्योंकि इन बिचारों को यहाँ पे कोई बीमारदारी होती है, कोई बाकी तरीके के मामले होते हैं, इनको यहाँ से कभी हंदवाड़ा जाना पड़ता है तो या कोई करालगुंड जाना पड़ता है। आज मुझे लोग कह रहे थे कि इन बिचारों को 5 रुपए का टेटनिस, इनको 100 रुपए में इधर मिलता है, क्योंकि इनको यहाँ से वही टेटनिस लगाने के लिए करालगुंड या लंगेट या हंदवाड़ा जाना। जुनैद साहब, गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दे आर मेकिंग मच फंड्स अवेलेबल टू प्रोवाइड ऑल द बेसिक फैसिलिटीज टू द पीपल, बट द ग्राउंड लेवल इज टोटली डिफरेंट। व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? देखिए, योरसेल्फ सॉ, नथिंग इज हिडन, एवरीथिंग इज विजिबल। देयर इज विजिबिलिटी दैट व्हाट दे क्लेम is all hoax, is a bunch of lies, and they should introspect themselves by providing first basic facilities to the people of Langate area, particularly to this Hamhora vicinity. Do you agree district administration is completely failed? What will be your next move to provide all these facilities to the people of your constituency? Of course, with your medium, we will request them. If they fail to deliver, we'll take up this matter to their higher authorities. There is an hope. Of course, it is not just restricted to the district administration. If they will wake up from their slumber, if they will wake up from their sleep, what they have been sleeping from last many years, they should wake up and see, meet the people, listen to their genuine grievances. Instead of sitting in their cozy rooms and have coffee table discussions, does not bring, you know, say, of relief to the problems of people. People are facing genuine grievances and they are demanding their basic facilities within the parameters of constitution. It is their basic right, fundamental right. If people are being deprived from their fundamental rights, I mean, the district administration should introspect. So, इनसे ये गुजारिश है, खास तौर पे डिप्टी कमिश्नर साहब को, कि यहाँ पे इनको पहले पानी मुहैया कराए, यहाँ की औरतों को 3-3, 4-4 किलोमीटर अपने बर्तन लेके पानी लाना पड़ता है। दूसरा, इनको यहाँ पे डिस्पेंसरी जो इनको मिली है वो इनको चालू होनी चाहिए। ये पूरा यहाँ पे स्टाफ की कमी है, ये स्टाफ बराबर होना चाहिए। और इनकी जो यहाँ पे पार्क बनी है वो फ्लोरिकल्चर से या डिप्टी कमिश्नर साहब किसी से टेकअप करके इनको इसकी फेंसिंग कराए। कुछ ये जेन्युइन डिमांड्स है लोगों की यहाँ। और इनको इलेक्ट्रिसिटी के लिए 4 इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स की ज़रूरत है, 5 इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स की ज़रूरत है। आज तक इनको, आज कल पर तरसों, यहाँ का जो महकमा है PDD का, वो इन बिचारों को लटका रहा है। और इनको फौरी तौर इमीडिएटली ये पहले 4 बिजली के पोल्स इनको मयसर होने चाहिए, ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी का इधर बाहर देखे। अदरवाइज ये देखो, पीपल फ्रेंडली लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेंडली लोग हैं। अगर आज एडमिनिस्ट्रेशन इनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस को अच्छे से नहीं समझेगी, इनका रिड्रेसल नहीं देगी, कल को यही लोग सड़कों पे आके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारे लगाएंगे, जैसे आपने कल लंगेट में देखा। अब हमें हमेशा हर जगह यही तमाशा करना है? एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनकॉम्पिटेंट है, किसी नए डिप्टी कमिश्नर को लाइए। थैंक यू सो मच।